रानी रानी रानी, बच्चे ये सब क्या है? सर मेरे फादर की जॉब नहीं रही तो मैंने सोचा उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ओह बहुत अच्छी बात है, तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मैट्रिक के पेपर लाजमी देना, बल्कि साथ साथ कोई ऑनलाइन स्किल सीखो, तुम बहुत आगे जा सकते हो। मगर सर मेरे पास तो फीस ही नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूं? ओह तो तुम्हें लगता है कि तालीम पैसे की मोहताज है? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के अमीर तरीन लोग, उनका बचपन कभी गुर्बत में ना गुजरता। तुम भी अपनी इस कमी को कमी नहीं बल्कि इम्तिहान समझोगे तो बहुत आगे जा सकते हो। और हालात ने तुम्हारे अंदर जो आग लगाई है ये हर किसी के पास नहीं है। मेरे बच्चे इस आग को जलने देना, ये तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करेगी। जी सर, मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बस एहतियात करना, डिप्रेशन और नाउमीदी को अपने दिल में मत आने देना, वरना यही आग तुम्हारे ख्वाबों समेत तुम्हें जला देगी। सर मैं याद रखूंगा। और बुक्स और प्राइवेट इम्तिहान देने का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। तुम्हें पढ़ाई में कोई मसला हो तो सीधा मेरे पास चले आना। शुक्रिया सर। ओके, शाबाश। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए, ठीक है। पिछले 5 साल से ये स्कूल की बिल्डिंग खाली थी, आपने यहाँ दोबारा स्कूल खोलकर बहुत बड़ी नेकी की है। आज से आप यहाँ प्रिंसिपल की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। लेकिन आपने तो मेरी सीवी भी नहीं देखी। इसकी ज़रूरत नहीं, आपका इंटरव्यू तो आज से 20 साल पहले हो चुका था। क्या क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सर मैं दानियाल हूं, आपका दानी। सर जब मेरी उम्र के बच्चे मोबाइल पर फिल्म्स और वीडियो गेम देखते थे, मैं उस वक्त सॉफ्टवेयर कोडिंग सीखता था। सर मैंने गरीबी की आग में शिकायतें करके खुद को नहीं जलाया बल्कि उस आग की रोशनी में अपना मुस्तकबिल रोशन किया। सर आज से आप सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, इस स्कूल के मालिक हैं। ये आपके हवाले, जिस तरह से आपने मेरा मुस्तकबिल संवारा, इस तरह से आने वाले हजारों बच्चों का मुस्तकबिल संवार दें, उनको इखलाकियात के साथ स्किल सिखाएं, संवारें उनका मुस्तकबिल।